और वहीं बागपत से एक खबर सामने आ रही है जहां पर युवक ने नेपाली महिला पर हमला किया है। देहरादून से बागपत बुलाकर चाकू से हमला किया गया। घायल महिला को जंगल में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में महिला को भर्ती कराया। पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी। काम कार ड्राइविंग सीखते समय युवक से हुई थी दोस्ती। घर ले जाने के बहाने बागपत लेकर आया था। बागपत के चपरौली थाना क्षेत्र की यह घटना है। आपको बता दें, पीड़ित महिला को महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी, जिसके बाद उसकी दोस्ती उस युवक से हुई। कार ड्राइविंग सीखते समय युवक से हुई थी दोस्ती। वहीं नेपाली महिला पर युवक ने हमला कर दिया। घर ले जाने के बहाने बागपत लेकर आया था युवक, जिसके बाद उस महिला पर हमला किया गया। आपको बता दें, बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां पर एक नेपाली महिला को युवक ने नेपाली महिला पर हमला किया है, जहां पर युवक ने महिला को जख्मी कर दिया। देहरादून से बागपत बुलाकर चाकू से हमला किया गया है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वे आपको बता दें, घायल महिला को जंगल में फेंक कर फरार हो गया युवक, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के अस्पताल में पीड़ित महिला को भर्ती कराया गया है। उसके अलावा आपको बता दें, पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है, जहां पर महिला देहरादून में एक कंपनी में काम करती थी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून की देरी से गर्मी और उमस से बेहाल है। इस बीच आज मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान जताया है। इस मौसम में कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग की ओर से की गई भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को दिल्ली सहित उत्तर भारत में 10 जुलाई तक दस्तक देना था, लेकिन रविवार शाम तक ऐसा नहीं हुआ। और वहीं आईएमडी के महानिदेशक ने बताया कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने के अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिली है। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है जहां पर पीलीभीत में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है। जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला किया है। एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। दिरुरिया रेंज गुंगछियाई बीट की ये घटना है जहां पर एक युवक ने अपने आप की जान बचाई है, जहां पर उसने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, दियूरिया रेंज गुंगछियाई बीट की ये घटना है जहां पर बाघ के हमले से 2 युवक की जान चली गई है। पीलीभीत में बाघ के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला कर दिया, इसके बाद एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें, यह घटना दियूरिया रेंज गुंगछियाई बीट की घटना है जहां पर बाघ ने 2 युवक को मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है जहां पर उसके बाद एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई है। आपको बता दें, जंगल से गुजरते समय बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद 2 युवक की मौत हो गई और एक युवक ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई थी। और ये मामला, आपको बता दें, दियूरिया रेंज गुंगछियाई बीट की घटना है।